एनएच1 के सारे श्रोते का एनएच1 च मदा मदा स्वागत है। तो साथियों मैं हाँ तुम्हारा अपना दोस्त प्रदीप शर्मा, तो तुम्हें दस दिचा इस वेला तुम डोगरा हट जिहड़ा कि बड़ा गै प्रसिद्ध है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि बाहर के भी जो टूरिस्ट आते हैं, डोगरा हट की जी व्यंजन इतने बनते हैं जां लस्सी है इतों की बड़ी गै प्रसिद्ध है। तो अज की अगर विशेष गल करचै, अज डोगरा हट में यूनिफॉर्म तो प्लस आईडी कार्ड जिहड़े भी इतने महिलाएं जिहड़े सैल्फ हैल्प ग्रुप जिहड़े काम करा दें, अज उन्हें ये यूनिफॉर्म और अपना जिहड़ा आईडी कार्ड है जिहड़ा लॉन्च किया है। आओ इंदे कन्ने जिहड़े सैल्फ हैल्प ग्रुप के लीडर ने जां ये मेंबर ने इंदे कन्ने गलबात करवाने कि अज जिहड़ी यूनिफॉर्म लॉन्च की है इहदा की उद्देश्य है इहदा, ते उहदा अलावा इत्थे किहड़ियां परेशानियां नहीं आवा दियां और किस किस्म का जिहड़ा काम इत्थे चला दा। जी स्वागत है सर, कोला पहले दे एनएच1 जी। सर यूनिफॉर्म का तो यह मतलब है कि सारे सैल्फ हैल्प ग्रुप की पहचान के यूनिफॉर्म है कि सारे इको बराबर हैं और सैल्फ हैल्प ग्रुप वास्ते यूनिफॉर्म जरूरी है और आईडी कार्ड भी जरूरी है ताकि उनके सीएलएफ का नाम, सीएलएफ ऑफिस का नाम और उनके ग्रुप का नाम और उनके वीओ का नाम होता है। तो सारे को पहले अस आगे कि इस जो डोगरा हट है जो तहसील पौनी के पंचायत की अगर गल कर कोठिया पंचायत है, तो ये बारे थोड़ी जी सारे श्रोते जानकारी दियो कि किस किस्म का जो इतने व्यंजन जोड़ा है जिन्हें भी इतने टूरिस्ट आते उन्हें परोसा जाता है। सर इधर तो ज़्यादातर डोगरी कल्चर डोगरी आइटम का गै व्यंजन जोड़ा है परोसा जाता, कलाड़ी कुलचा वगैरह जो घर कलाड़ियाँ कटदियाँ लेडीज़ दुध प्यो दियाँ और दिता जाता, कलाड़ी कुलचा बनाया जाता, साग ढोडा और लस्सी और देही, अंबल, राजमा और चावल और कचालू, चाट वगैरह, चटनी मतलब अनारदाने चटनी हुई है, टिम्बरू की चटनी हुई है, डोगरी साड़ा वो आइटम है, ते आमले रीड़े की सब्जी भी बनांदियां ने लेडीज जेडियां मतलब डोगरी कल्चर के ज़्यादा मशहूर है आमले रीड़ की सब्जी, ये सारिया चीज़ा। जिहड़ा एकता महिला सीएफएल जिहड़ा है सी ए ग्रुप है जिहड़ा, ते इहदे बारे च भी थोड़ा जिहा जानकारी दिओ। ये साड़ा जिहड़ा एकता महिला सीएलएफ है ये क्लस्टर लेवल फंडरेशन है, साढ़े ब्लाक पौनी के साढ़े चार सीएलएफ हैं, मतलब चार क्लस्टर का चार सीएलएफ ऑफिस हैं और साढ़े सीएलएफ का नाँ जिहड़ा है एकता महिला सीएलएफ है और जिहड़े इधर सैल्फ हैल्प ग्रुप जिहड़े मतलब इस डोगरा हट उपर इसलिए जिहड़े काम करते हैं वह एकता महिला सीएलएफ के ग्रुप काम करते हैं जी इधर। ते किन्नी महिलाएं जिहड़ा इत्थे रोजगार मिले दा है और किस किस्म दी जिहड़ियां परेशानियां सर? घट तो घट 2000 लेडीज़ है मेरे एकता महिला सीएलएफ दे विच, मतलब 170 ग्रुप है मेरे कोल और कम से कम 2000 लेडीज़ है जिहड़ा इधर रोजगार मिले दा है कि जिहड़ी वो अपने घर छाबड़ी बिन्ने बनांदियां तैयार करदियां और उन्हें यह बड़ी अच्छी एक जगह मिली दी है कि जिधर टूरिस्ट इधर फर्स्ट क्लास उन्हें रेट भी लभी जांदा, ते मतलब एक गरीब जिहड़ी है लेडीज़ ही महिला ही है मतलब रोजी रोटी का बड़ा अच्छा साधन मिले दा और वह इत्थों बड़ा अपने मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम का साधन है जिहड़ा डोगरा हट्टे उंदे आस्ते। यही सारे कन्ने कैलाश कुमारी और जिहड़े के कोआर्डीनेटर ने इस क्लस्टर दे, ते जिहड़ी इत्थे महिलाएं जिहड़ियां काम करा दियां उंदे कन्ने भी तुहाडी गलबात करवाउने आ जी। स्वागत है एनएच1 च तुहाडा भी। गीता जी बोल रही है जी। जी मैंने कलाड़ी कुलचा लगाया, चाय लगाई है, देसी चाय भी लाई है, दूसरी भी लगाई है, कलाड़ी कुलचा लगाया, क्यालों चार लगाई है। तो जिस वेले इत्थे टूरिस्ट आंदे बाहर दे जिले यात्रुओं की गड्डी इत्थे रुकदी है, तो जिहड़ा तुहाड़ा कलाड़ी कुलचा जां फिर होर भी जिहड़े भी व्यंजन जिहड़े डोगरी कल्चर च बनदे, तो उंदे बाद उंदा की रिस्पांस आंदा है? वो जिले आंदे ने इत्थे बैठदे ने फिर उन्हें पुछणे आ कि कलाड़ी कुलचा खाओगे, वो बोलते भी क्या होता है बताओ भी असी पता ही नहीं कैसा बनता है, फिर मैं लेइए जाना दसनी उन्हें अगर भाई ये कलाड़ी कुलचा बनाने फ्राई करके देते हैं। लगता कि जिहड़ा इत्थे डोगरा हट बनने कन्ने किन्ना रोजगार इत्थे मिलिया है और कैसा अनुभव हुंदा? पहले तो उस घर की चार दीवारी च काम करते हे जां अपने घर के कामकाज करते हे, हुण तो जिहड़ा पूरे भारतवर्ष के इत्थे जिहड़े लोग आंदे उंदे कन्ने तुसीं मुलाटी करने का मौका मिलता? असीं बड़ा मौका मिलिया है, पीडीसी मैम ने जिहड़ा असीं मौका दिता है, अस अपने घर गै रौंदे, घर गै बनाना, घरा बाहर निकलना नहीं, जिल्लै इत्थे आए आं असीं सब कुछ पता चली गया, इ'यां भाई टूरिस्ट गी बोलना, इ'यां बैठना, इ'यां इ'यां पानी जां इ'यां रोटी देनी जो कुछ। तो बिल्कुल जेडे इत्थे इस ग्रुप में काम करा दे व्यक्ति उंदे कन्ने तुहाडी गलबात करवा दे जी। के नाम तुहाडा? हां जी मेरा नाम सुमन कंतोत्रा है जी। जी मैं जहां पर किन्ना परिवर्तन आया तुहाडे च जिस वेला तुस घर दा काम काज करदे थे, अज जेड़ा ए सेल्फ हेल्प ग्रुप तुस चला दे हो, इत्थे काम काज करा दे हो, किन्ना परिवर्तन तुहाडे जीवन विच आया इहदे कन्ने? सर जी बड़ा परिवर्तन आया, जनानियां जेड़ी औरतें ही घरों निकली दी नहीं ही, अज ये जनानियां बाहर आईयां इन्हें पता चलिया दुनियादारी और भांति भांति दे स्टेट दे लोक आंदे इत्थे उंदे कन्ने मुलाकात होंदी, मिलदी आ कैसे बोलदे, किन्ना बोलचाल है और उन्हें अस बड़े अच्छे तरीके कन्नै खाना खलाने आं, डोगरी कल्चर च जो चीज़ां आंदियां
जिन्हें तिंबरू की चटनी होंगी है, रीढ़े आमले की सब्जी हुई, लस्सी हुई, ये चीज़ा असं इन्हें परोसने, ये बड़े खुश हो खाते हैं, इन्हें बड़ी पसंद आती क्योंकि इन्हें पहले नहीं खाधी दी होंगी, ये बड़े खुश हो। मैं इधर दी मेरे पास है, मेरे को इसलिए 13 ग्रुप जी जी। मैं 13 ग्रुप की कमेटी मोबलाइजर है और मैं इतने बिल भी कट्टनी होनी है जी जी। मेरा नाम सुमन गंदोत्रा है छोटी है उथे बेचारी लेडी रोटी बनाने बड़ी प्रॉब्लम आंदी उपरू पानी की भी प्रॉब्लम है, पानी की बड़ी कमी है इथे कने इथे बाहर असे किचन की वजह कने असे बाहर ही चूल्हे रखे दे तो ये भी रोटी बनाने सामने धुप्प आई जी अंधी तूफान आती है, फिर बड़ी प्रॉब्लम बनी जी सू। तो बिल्कुल जिहड़े डोगरा जिहड़े हट बिच इंप्लाइज इत्थे काम करा दे उंदे कन्ने तुहाडी गलबात करवा दें, कुछ होर भी साढ़े कन्ने जुड़ी गए जी। के नाम तुहाडा जी? नमस्कार, मेरा नाम सर सुरिष्ट कुमारी है जी जी। तो तुस इत्थे काम करा दे हो, कैसा तुसें फील होंदा है और कैसा रिस्पांस जिहड़ा तुसें घर आली तरफा दा मिलदा, की के कुदै ना कुदै घर दा काम छड्डिए तुस इत्थे आंदे हो? हां जी सर, बड़ा अच्छा लगदा कि अस हां जी मैं बड़ा अच्छा लगता कि अस घर बाहर निकलिया काम करा दे, कि जेड़ी साड़ी खाने अस यही घर बनांदे हे, ये कोई मतलब इन्ने अस वैल्यू नहीं है, हुण अस इत्थे खाना बना दे तो असें पता चलिया कि साड़ी खाने की अस वैल्यू है, कि साड़ा खाना दूर तक जंदा जी जी। तो बिल्कुल ये साढ़े कन्ने सैल्फ हैल्प ग्रुप के जेडे मैंबर इतने इंप्लाइज जो काम करा दे उन्दे कन्ने गलबात करवाई थोड़ी, तो तुस समझी सकते हो कि काफ़ी अच्छा जॉब लगातार इनकी तरफा का किया जा रहा, क्योंकि और ये भी रियासी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ का एक बड़ा बड़ा इनिशिएटिव है और रियासी एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए कि जड़िया इतने छोटी मोटिया दिक्कत आवा दी वो दिक्कतें का भी निवारण करना चाहिए। तो साढ़े कन्ने सरपंच भी हैं, इस पंचायत दरपंच उन्दे कन्ने भी जड़िया इन दिक्कत उन्दे लिए इनकी तरफा का क्या प्रयास किए जाएंगे? स्वागत है जी तुम्हारा एन एच पंच। थैंक यू सर। क्या लगता इस अज सैल इतने अस डोगरा हट में पुजे हाँ, अगर पानी की इन्हें गल की है किल्लत की, तुहाड़ी तरफा का क्या आश्वासन है इन्हें कि इस पानी की किल्लत जी बहुत जल्द दूर होगी? पानी की सर यह है कि साढ़े को साड़ी वही आई जी इंदू मैम और आए थे, उन्हें डग वैल मतलब ट्यूबवैल लगाने की कोशिश की थी, लेकिन सब तो पहले उन्हें असं यह आखे था कि इधर असें पानी चेक करवाना, अगर पानी इस सराउंडिंग एरिए इस चार दवार अंदर पानी आई गया असें इतने उन्हें असें हैंड पंप लाई देगी उन्हें। हाँ जी, तो कितनी जल्दी जेड़ा यह आश्वासन जेड़ा, क्योंकि मती सारिया सेंटर गवर्नमेंट दीम आदि हर जगह हैंडपंप भी लगे, लेकिन यह जगह अशूद की है, इतने की नहीं आए तक हैंडपंप जेड़ा लगे? हैंडपंप तो नहीं लगे कि गवर्नमेंट ने पिछले असें हैंडपंप दिते ही नहीं हैं, हूँ हैंडपंप गवर्नमेंट देख तो असं इतने लाई उन्हें, हूँ सारी की मैडम अगर डिमांड की असं इस तू पहले सारी जिते पहुँच ही जिते तक वो असं इन्हें नलका बहर लाइया दिता, ठीक है हूँ अगे हैंडपंप की डिमांड है, हैंडपंप का भी असं खतरा अगर ड्राई चली जाए गोरमेंट का नुकसान होंगे, इस तू पहले असें हूँ एक चीज़ दिखनी है कि असें जून जुलाई जल्द बड़ी गर्मी होंगी उस टाइम असें पानी चेक कराना, अगर जून जुलाई अस पानी चेक करवागे वो पानी सारा कदम खत्म नहीं हो सकता, अगर सर बरसात है सीजन तो आम पानी हो जाता है, तो इस करिए मैडम ने असं यह बोलिया कि तुम चेक करवाओ अगर पानी आई जाएगा तो अस करी ओड़गे, हूँ अस इन्ना भी नहीं ना गोरमेंट की तंग कर सकते कि जस्ट असं सब कुछ चाहिए सर, स्लोली 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 आराम आराम करने सारा सब कुछ बनना है, तो गवर्नमेंट भी अस परेशान नहीं करके कि अस सवेरे डिमांड रखचै शामी सारे को चीज़ आई है वह भी नहीं आती है। क्या लगता है तुस एक महिला सरपंच हो और इतने जिन्हें भी सैल्फ हैल्प ग्रुप में काम कर रहे सारिया महिलाएं, कि लगे कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल है जोड़ा वो कि बढ़िया तुम्हें क्या लगता? सर ये काफ़ी खुश हैं ये, लेकिन बेचारियाँ परेशान नहीं होंगे, कुछ दिन ऐसे भी होंगे जल्द बिल्कुल इनकी 2 रुपये इनकम नहीं आती उस टाइम असें भी बड़ा पिंच होंगे कि गरीब महिलाएं इन्ना राशन लेकर घरों आदि जल्द शामी वापस घर लेंदियां, तो एक मैं भी महिला मैं भी बड़ा पिंच होंगे कि फिर मैं इंटर थोड़ी मैं तू करी ओनी मैं कोई डर नहीं चलो हो गया कुछ नहीं तुम घर ले जाओ तो शामी घर परिवार ही खाओ, तो परिवार भी रोज बच्चे अजकल डिमांड पर चीज़ा मंगते हैं, इस करिए असं उस टाइम बड़ा पिंच होंगे, अस एडमिनिस्ट्रेशन अगे और इो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो रणसू की यात्रा है उस यात्रा इतने रोकया जा और टिकट काउंटर साढ़े को बनाया जा और टिकट साढ़े को कटोई जा ताकि रणसू नहीं कटोई जा, फिर सारी महिला जीडिया गरीब महिला सैल्फ हैल्प ग्रुप दियाँ कुछ सारे ये विडो लेडीज़ न कुछ ऐसा लेडीज़ न सब तो गरीब लेडीज़ न कुछ लेडीज़ की 2 रुपये इनकम नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद करनी हाँ सैल्फ हैल्प ग्रुप की महिला क्लास जे इंदी सीसी है उनके बाद इंदा वो बीपीएम है जुगल जी ने उन्हें जड़िया ने महिलाएं आश्वासन दिता और सब तो ज़्यादा शुक्रिया अदा करने डीसी मैडम का
जिन्हें सारी गरीब महिलाएं बाहर कढ़िया और सैल्फ हेल्प ग्रुप दूसरा नंबर अपन जिन्हें इन्हें महिलाएं इतने रोजगार दिता अब सवेर तो शामी तक बर्तन साफ करेंगे तो अभी 200-300 रुपया ले जाएं उस टाइम जिस टाइम सारे को यात्रा रुके तुम कुछ ना कुछ अज भी जो डीसी इंदू मैडम जी उनकी गल करा रहे हो इस वेले भी सारिया डीसी महिला आई हैं तो क्या इस पूरे मुद्दे पर कदे उन्होंने वार्तालाप की उन्हें न्योता दिता कि वह भी आने डोगरा हट में आनी रुटी का ग्राफ हाँ जी हाँ जी हाँ जी न्योता दिता सर उन्हें बुलाया स्पैशल असें मक्की की रोटी सरसों साग दही पूरी थाली उनका जिहड़ियां इत्थे कमियां लगियां उन्हें दसने दे बाद उनकी तरफ का की आश्वासन मिलिया कि उन्हें दूर कदों किया जाए असें कमियां दसियां सर मैं पूरी एक मैं डिप काम जो ने साढ़े को अस रनसू उनके कन्ने मिले असें उत्थे भी कमियां दसियां उन्हें मैं बुलाया है उधर मैं पूरी कमियां दसियां मेरे को और कोई मेरे को काफ़ी डिवेलपमेंट कर चुकी हाँ मेरी जिहड़ी तन मन धन मैं इसे डोगरा टप्पर लानी हाँ क्योंकि मेरी 100 साल की अचीवमेंट है 100 साल भी जिस टाइम अस नहीं नोगे ये महिलाएं जगह होंगे तो असं भी याद करेंगे तो इस करिए मैं चाहनी हाँ कि एडमिनिस्ट्रेशन सारी तो सारी जी इस मेरा डोगरा टप्पर मेरी नहीं है ये गरीब महिलाएं का इन्हें लेडीज़ का अगे कुछ होना चाहिए बेचारियों का ताकि अगे अगे बढ़िया जागन बढ़निया उस टाइम जिस टाइम रनसू की जी यात्रा इतने रुक और टिकट काउंटर से बनवाए दा टिकट सारे को कटोक ये सारी डिमांड है और मैं कल नहीं तो परसों पर कम से कम 100 महिला इतों लेकर जागे और डीसी का अगे डिमांड रखनी है ये सारी जी रनसू तो पर्ची कट दौ रोज़ कुछ न कुछ उधर चले ही रहा है एक टिकट इतने कट्टो यात्रा तुम ले जाओ धन्यवाद तो साढ़े कन्ने सरपंच इतों की कोठिया पंचायत नीलम शर्मा जी और तो कन्ने कन्ने जेड़े इत्थे काम करा दी महिलाएं वह भी ऐसी और साड़ी भी रियासी एडमिनिस्ट्रेशन अगे इयै अपील है कि वह इत्थे टाइम टू टाइम विजिट करन जिहड़ियां भी दिक्कतां आवदे क्योंकि बड़ा वड्डा इनिशिएटिव है अज इन्हें महिलाएं विच जिहड़ियां कि घर की चारदीवारी दे विच तक गै सीमित हियां अज इहदे विच मीडिया ही फेस करने का हौसला है जज्बा आया है कुदै ना कुदै इस डोगरा हट की देन है और ये अगे बढ़ना चाहिए और जिन्हें भी टूरिस्ट बारह गड्डिया आदियां जरूर रोकन क्योंकि कुदै ना कुदै साडा जम्मू कश्मीर ही है जिहड़ा डोगरा कल्चर है डोगरा हट है जिहड़ा है प्रमोट करा दा और अपडेट लई साडे चैनल कन्नै जुड़े रहो जय हिंद ते जय भारत।